गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। तो उसकी जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आई थी फाइनल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, उसी डेफिनेशन को जब हम सोल्व करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन जो आती है वो क्या आती है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन में बोल क्या रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है एम, कोई ऑब्जेक्ट है एम और कोई ब्लॉक है एम। अगर इसमें इसके अंदर जो एसेशन आ रहा है वो ए है, इस ब्लॉक का एसेशन क्या है, ए है। आपको पता चल गया कि इस ब्लॉक का एसेशन ए है, तो जो नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर वो क्या लगेगा, वो नेट फोर्स आपका लगेगा वो क्या होगा, मास टाइम एसेशन। और बेटा इसको नेट फोर्स भी बोल देते हैं, और नेट कई आपकी बुक के अंदर जो यूज किया हुआ है इसको हम बोल देते हैं क्या, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नेट जब फोर्स आपका बैलेंस होता है, तो नेट फोर्स अगर फोर्स आपका बैलेंस है तो नेट फोर्स जो एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है बेटा, वो नेट फोर्स आपका क्या होता है, जीरो होता है, है ना। अगर सपोज कर लीजिए दूसरा केस आ गया हमारा अनबैलेंस फोर्स का, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो नहीं हो रहा है, है ना। तो नेट फोर्स अगर उसके ऊपर जीरो नहीं हो रहा है तो किसी डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है तो कुछ नेट फोर्स किसी डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ही होगा आपका, है ना। तो यही मतलब है आपका किसका, फोर्स का, नेट अनबैलेंस फोर्स का। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट बैलेंस फोर्स क्या है, अगर फोर्स बैलेंस है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है कि जो नेट फोर्स लगेगा वो बैलेंस फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर, जीरो लगेगा, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज कर लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट जो फोर्स है वो क्या है, जीरो नहीं है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स है वहाँ पे। तो अनबैलेंस फोर्स होगा तो क्या होगा, उस फोर्स अनबैलेंस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ओके, और वो एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन के अंदर होगा, वो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन के अंदर अनबैलेंस फोर्स है उसी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लगेगा, नेट एक्सेलरेशन जनरेट होगा आपका, ओके। तो दो तीन पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स due to unbalanced force acceleration is produced in an object or body, ठीक है। unbalanced force की वजह से क्या होता है बेटा, acceleration produce होगा या unbalanced force की वजह से क्या होगा, acceleration ही produce होगा किसी object या body के बीच में, ठीक है, और the direction of acceleration is same in which net unbalanced force is active
ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सेम होगा जिस डायरेक्शन के अंदर आपका नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो दो पॉइंट आपको क्लियर हुए। पहला पॉइंट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या होगा बेटा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द फोर्स होगी। जिस डायरेक्शन के अंदर आपका अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। और बेटा तीसरा पॉइंट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जैसे पहली इक्वेशन जो मैंने लिख दी, द वैल्यू ऑफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स इज तो बेटा ये जो वैल्यू होती है नेट अनबैलेंस्ड फोर्स की वो क्या होती है आपकी m इंटू ए। तो जितना आप सपोज कर लीजिए a एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है, तो एक तो क्या है, दो तरीके हैं अनबैलेंस फोर्स फाइंड आउट करने के, दो तरीके हैं बेटा। एक तो क्या आप सारी फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करें, मोर जैसे एम जी लग रहा है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसके बाद आप नेट अनबैलेंस फोर्स कितना लग रहा है वो आप फाइंड आउट करें, FBD फ्री बॉडी डायग्राम से। एक आप क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक आप ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को देख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का सपोज कर लीजिए जैसे ये मास है, यहाँ पे आपका दे दिया एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको पता चला कि आपको देख के पता चला कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ए है, तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा वो क्या होगा, एम इंटू ए होगा आपका, ठीक है। और उस नेट अनबैलेंस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, तो नेट अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन भी आपकी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, एम इंटू ए। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस इक्वेशन से तीन पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन सेम एज दैट ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। तीसरा, वैल्यू ऑफ दैट अनबैलेंस फोर्स कितनी होगी बेटा, वो होती है क्या आपका एम इंटू ए, जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से फाइंड आउट किया है। ओके, तो आपको अगर वो इक्वेशन समझ में भी नहीं आई तो ये तीन पॉइंट हमेशा आपको याद रखने हैं, ये तीन पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। ओके, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है हमको, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम देखनी है, तो सबसे पहले तो जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम हायर लेवल की प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक बेटा नोट डाउन कर लीजिए ये तीन पॉइंट, 1, 2, 3, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर लिख दी है। सबसे पहले तो मेरा सजेशन यही रहेगा सभी स्टूडेंट को, एज सून एज आई राइट डाउन द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, तो आप क्या कीजिए, अपने वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपने आप से एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार आप अपने आप से जब निकालेंगे, 5 से 7 मिनट जब आप अपने आप से देंगे, तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या दी हुई है प्रॉब्लम, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। तो आपको क्या दिया हुआ है कि कॉन्स्टेंट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, ओके, और वो 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और किस कितनी ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए लग रहा है आपका। ओके, 2 सेकंड के लिए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है मतलब कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 सेकंड में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे जब लगता है, लगना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे 3 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, और उसके 2 सेकंड बाद ही क्या हो जाती है, उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है आपकी। ओके, तो आपको क्या बताना है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो फोर्स जो लगा रहे हैं उसका आपका वैल्यू क्या होगी। ओके, वो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हम लेटर ऑन इसके बाद डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हमको अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करना है।
बेटा ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपकी सोल प्रॉब्लम है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हमको दी हुई है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो आपको क्या पता है कि कोई हमारा सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 5 किलोग्राम, और इसके ऊपर क्या बता रहा है बेटा कि कांस्टेंट कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। हमको उस फोर्स की वैल्यू बतानी है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओनली अनबैलेंस फोर्स अगर 5 किलोग्राम का देखें नॉर्मल mg, तो ऊपर की डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, ये राइट वाला डायरेक्शन के अंदर ही आपका चल रहा है। तो नॉर्मल और mg दोनों बैलेंस करेंगे तो अनबैलेंस फोर्स क्या लग रहा है आपका, यही एक्सटर्नल फोर्स जो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, यही एक अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लग रहा है आपका, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस फोर्स की वजह से, ये स्टार्टिंग में जब ये लगना स्टार्ट हुआ तो इसकी जो स्पीड थी वो आपको दी थी, वो आपको दे रखी है क्या 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लग से t = 0 सेकंड पे इसमें लगना स्टार्ट किया, उस टाइम पे इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद ही हम देखते हैं जो पार्टिकल जो है आपका, इसकी जो स्पीड हो जाती है इस फोर्स की वजह से वो क्या हो जाती है आपकी, वो हो जाती है 2 सेकंड के बाद 7 मीटर पर सेकंड। बेटा ये 3 है, 2 नहीं है, ये 3 है और ये है आपका 7 मीटर पर सेकंड। ओके 2 सेकंड के बाद ही हो जाती है t = 2 सेकंड। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर मैं इस डायरेक्शन 5 किलोग्राम फोर्स के ऊपर अगर मैं इस डायरेक्शन कोई ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो आपको उसी बात है क्या लगेगा, फोर्स की वजह से ही इसी डायरेक्शन में और तेजी से भागना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो दैट इज भाई इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। आपको वैल्यू बतानी इस फोर्स की जो कि अनबैलेंस फोर्स है आपका। तो आपको क्या पता है फॉर्मूला क्या है, तो जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है कि जिस डायरेक्शन के अंदर अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो नेट अनबैलेंस फोर्स होता है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास टाइम एक्सिस। मैंने आपको 3 पॉइंट्स के अंदर बताया था कि आपको अगर अनबैलेंस फोर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे को एक्सिसन अगर पर पता चल जाए किसी तरह से, तो मास को मैं एक्सिसन से प्रोड्यूस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपको क्या देता है, नेट अनबैलेंस फोर्स देता है। ये इक्वेशन कहाँ से आई है बेटा, ये इक्वेशन आपकी आई है न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके तो इसका मतलब क्या है कि मैं अनबैलेंस फोर्स तो निकाल दूं कि नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, अगर मेरे को ये 5 किलोग्राम ब्लॉक का एसएसएन प्रोड्यूस हो जाए, पता चल जाए कि इसमें एसएसएन कितना प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स की वजह से, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स की वजह से एसएसएन प्रोड्यूस होगा और वही एसएसएन आपके अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और उस एसएसएन को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या दे देता है आपका, नेट अनबैलेंस फोर्स दे देता है। ओके तो नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, मास टाइम एसएसएन होता है आपका। अब बेटा एसएसएन कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ से एसएसएन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग की वेलोसिटी आपकी 3 है, थोड़ी देर बाद 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्मली एसएसएन क्या है इसका, यूनिफॉर्म है। तो आपको पता होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, v = u + at। मोशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर फॉर द यूनिफॉर्मली एसोलेटेड मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एसएसएन कॉन्स्टेंट है तो v क्या होता है = u + at होता है। और आपको एसएसएन की डेफिनेशन भी पता होगा कि चेंज इन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एसएसएन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है और टाइम कितना लग रहा है, फाइनल टाइम 2 सेकंड माइनस 0, तो 2 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, कितना एसएसएन इस 5 किलोग्राम ब्लॉक के अंदर प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस फोर्स एफ। तो बेटा वो एसएसएन कितना आया है, ये 7 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। तो 7 - 3, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 3, डिवाइडेड बाई टाइम इज 2 - 0, 2 सेकंड। तो 7 - 3 इज 4, 4/2। तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये तो हमने निकाला एसएसएन की वैल्यू, हमको क्या निकालना है, नेट अनबैलेंस फोर्स। तो नेट बेटा अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, m into a। तो आपको पता चल गया कि इस फोर्स की वजह से कितना एसएसएन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो आप नेट फोर्स
आप निकाल सकते हैं जो कि अनबैलेंस फोर्स है, विच इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम की वैल्यू क्या है, 5 × 2। तो 10 न्यूटन जो अनबैलेंस फोर्स है वो लग रहा है आपका। ओके, तो कॉन्स्टेंट जो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो क्या लग रहा होगा बेटा, 10 न्यूटन लग रहा होगा। ओके, और आप वैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स 10 न्यूटन है, तो 10 / 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक तो आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। अभी सेकंड पार्ट बेटा हमको करना है, इसमें क्या दे रखा है, इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अगर हम फोर्स को सपोज कर लीजिए 5 सेकंड तक अप्लाई करते हुए रखते तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती 5 सेकंड के बाद। अब बेटा फोर्स लग रहा है 5 सेकंड तक, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, आपको पता होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नेट एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ये आपका कितनी ड्यूरेशन तक लगेगा, अगर फोर्स 5 सेकंड तक लग रहा है आपका, तो आपको उसी बात है आपका एक्सेलरेशन भी 5 सेकंड तक लगेगा, है ना। तो सेकंड केस के अंदर क्या है, आपको पता है कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे दिया बेटा आपको, टाइम t दे दिया आपको कितना, 5 सेकंड। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। और आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है कि 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, तो बेटा हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 3 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और टाइम की वैल्यू 5 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 13 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसी टाइप की प्रॉब्लम पूछ सकता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया यहाँ से सबसे पहले, उसके बाद फोर्स फाइंड आउट किया। अगर वही फोर्स 5 सेकंड तक लग रहा है तो इसका मतलब 5 सेकंड तक वही एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, 5 किलोग्राम ब्लॉक के। तो एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम पता है 5 सेकंड, आपको क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, ये तीनों इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a। ये थर्ड तीनों इक्वेशन आप देखेंगे कि यहाँ पे भी फोर्स वाले चैप्टर में बार बार यूज होती है आपकी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन की, टाइम की, और आप फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ये भी एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है। ए मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कि कोई मोटर कार आपको दी हुई है और वो कितनी स्पीड से जा रही है आपकी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी जा रही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाई। और इसको 4 सेकंड लगते हैं रुकने के लिए जब ब्रेक इस पे अप्लाई कर दिए जाते हैं उसके बाद। ओके, तो ब्रेक लगाने के बाद इसको 4 सेकंड लगते हैं रुकने के लिए। अभी आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। आपको ये बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है मोटर कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करने की वजह से, ठीक है, और मास ऑफ द मोटर कार अलोंग विद द पैसेंजर दे रखा है आपका 1000 किलोग्राम। ओके, तो बेटा देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये आपकी कोई मोटर कार है, इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका जो मास दे रखा है वो आपको दे रखा है 1000 किलोग्राम। और इसकी स्पीड आपको दे रखी है, इसकी जो स्पीड है, जो स्पीड आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। आप बेटा क्या करते हैं, हम किलोमीटर प्रति घंटा में क्योंकि दे रखी है, और सारी चीज़ें आपकी सेकंड के अंदर,
तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को 1000, मीटर हावर को 3600 सेकंड लिखेंगे। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका बच जाता है क्या, 5/18। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में जब हमको कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये 18 6 जा आपका होता है 108, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, तो आपका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो बेटा आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो चलो आपको पता चल गई यहाँ से कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ब्रेक की वजह से क्या होगा बेटा, अगर किसी कोई गाड़ी है उसके अंदर हम अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, आपको उसकी बात है बेटा रिड्यूस होगी, और थोड़े दूर जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो गाड़ी है आपकी मोटर बाइक है वो आपकी रुक जाती है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, इस टाइम पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर इसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने की वजह से इसकी स्पीड क्या हुई, कम हुई, और कम होने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ये रुक गया। ओके, और कितने टाइम के बाद रुक गया, t = 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड के बाद इसको स्टॉप हो गया है। तो t = 4 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, तभी तो रुकेगा। ओके, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, स्टार्टिंग में कोई मोटर कार दी हुई है उसका स्पीड आपको दी हुई है, उसका वजन दिया हो, वेट दिया हो, ठीक है, मास आपको 1000 किलोग्राम दिया है वो लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद ये 4 सेकंड के बाद आपकी रुक जाती है। तो t = 0 सेकंड पे आप अजूम कर लिए कि ब्रेक अप्लाई किए जिस समय स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड के बाद ये रुक गया। तो बेटा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ तो इसके अंदर क्या होगा, एसेशन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मैंने आपको बेटा मोशन चैप्टर के अंदर बताया था कि एसेशन क्या करता है, किसी भी चीज़ का की स्पीड को इंक्रीज करता है, जैसे 2 के बाद 4 होगी, फिर 6 होगी, 8 होगी, तो इसका होता है पॉजिटिव एसेशन। एक होता है क्या, नेगेटिव एसेशन, जिसको हम बोल देते हैं क्या, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। नेगेटिव एसेशन क्या होता है, आपका स्पीड डिक्रीज होती है। सपोज कर लीजिए मैं अभी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, ओके, और मेरा नेगेटिव एसेशन है -2 मीटर पर सेकंड, तो अगले सेकंड मेरी 8 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट सेकंड मैं रुक जाऊँ। ओके, तो इसका मतलब जब एसेशन आपका पॉजिटिव तो स्पीड इंक्रीज होती है, और एसेशन जब नेगेटिव तो आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमको फोर्स निकालना है। तो आपको पता है कि एसेशन आगे की डायरेक्शन में होगा या पीछे की डायरेक्शन में होगा, तो आपको सीधा सा पता चल गया स्पीड इसकी कम हो रही है, तो एसेशन मस्ट भी पीछे की डायरेक्शन के अंदर होगा आपका नेट एसेशन। ओके, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में होता तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती, तो एसेशन आपका पीछे की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो नेट अनबैलेंस फोर्स होता है, जो नेट जो फोर्स होता है या फिर अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो किसकी डायरेक्शन में लगता है, वो आपका लगता है किसकी डायरेक्शन में, एसेशन की डायरेक्शन के अंदर ही लगता है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा ब्रेक की वजह से वो क्या लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। और एक अलग तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है 1000 किलोग्राम ये आगे की तरफ जा रहा है, इसको हमें रोकना है, तो आपको उसी बात आप फोर्स को किस तरफ लगाएंगे, पीछे की तरफ लगाएंगे, पीछे की तरफ लगाएंगे तभी तो फोर्स की वजह से रुकेगा आगे जाके। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन में लगाने लगे तो ये रुकेगा थोड़ी, और तेज दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल सा लॉजिक भी है ये, आप लगा सकते हैं कि नेट जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो आपका किस तरफ होगा, पीछे की तरफ लगेगा, तभी आप ये ब्लॉक आपका रुकेगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एसेशन होता है, तो आप देख लेंगे इस डायरेक्शन फोर्स है तो एसेशन भी आपका किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तभी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, चलो ये तो बात होगी, आपका नेट अनबैलेंस फोर्स ब्रेक की वजह से क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अभी आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट फोर्स निकालना है। आपको फोर्स निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको एसेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एसेशन, क्योंकि फोर्स होता है क्या, एम इंटू ए, मास टाइम एसेशन, नेट अनबैलेंस फोर्स निकालना है आपको। तो नेट फोर्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, एसेशन, और एसेशन हम निकाल सकते हैं, एसेशन का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, वो क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट एसेशन है तो v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी बताइए यहाँ पे क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी है 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम बताइए आप क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, 4 सेकंड।
तो आपका बेटा नेट एसेसिंग की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी -30/4, तो माइनस ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आ गया नेट अनवेलिंग, नेट एसेसिंग। ओके, तो अभी आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि नेट फोर्स क्या लग रहा होगा। तो बेटा नेट एसेसिंग आ गया, तो नेट फोर्स हमेशा एसेसिंग की डायरेक्शन में लगता है, और नेट फोर्स एज पर द न्यूटन सेकंड का कितना क्या रहता है आपका, नेट फोर्स क्या होता है बेटा, वो आपका होता है मास टाइम एसेलरेशन। तो मास क्या है आपका 1000 केजी है, और एसेलरेशन क्या है -7.5। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आपकी आ जाएगी 750 न्यूटन माइनस। अब बेटा बात आती है कि माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो माइनस साइन बेटा मैंने आपको बताया था कि जो भी फोर्स एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं एक डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव लेते हैं। तो अगर ये -750 न्यूटन आ रहा है, तो इसका मतलब ये बता रहा है आपका कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं लग रहा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है आपका। ओके, पीछे की तरफ लग रहा है, तो दैट इज भाई ये माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। आपसे अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछ ले, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पूछ ले, तो वैल्यू आप कहेंगे 750 न्यूटन लग रहा है। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। बेटा इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा बेटा एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ से रिलेटेड। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है किसी बाल का जिसका मास क्या है 20 ग्राम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बाल, कि बाल के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है एक्टिंग ऑन द बाल। तो बेटा सबसे पहले तो ग्राफ को देख के मैंने देखा है कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। सिंपल चीज़ें होती हैं, आपको बस डरना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता है वो चीज़ हम लिखते जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको हैंडल करना है। तो आपको नेट फोर्स निकालना बेटा, हमको पता है फॉर्मूला नेट फोर्स का क्या होता है आपका, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब मास क्या है, मास है मास होता है बाल, बाल बाल के ऊपर फोर्स लगा रहे, तो मास तो आपको दे रखा है 20 ग्राम। तो बेटा आपका जो मास दे रखा है वो तो दे रखा है आपका क्या 20 ग्राम, तो इसको हम बना लेते हैं किलोग्राम। तो आपका कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.02 किलोग्राम होगा। उसके बाद बेटा हमको क्या फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए एसेसन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको उसी बात है, एसेसन तो आपको देगा नहीं, उसके लिए आपको ग्राफ दे दिया, उस ग्राफ से हमको एसेसन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा है, एसेसन का भी मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एसेसन फाइंड आउट करने के लिए भी मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ एसेसन का, वो भी आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 10। अभी बेटा देखिए कोई भी आपका, एक तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, ये जब आपका एसेसन कांस्टेंट है, इसका मतलब एसेसन जब कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी या फिर वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी एक ही रेट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में क्या है बेटा, अगर मैं पूछूँ तो आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद धीरे से अगले एक सेकंड में थोड़ी सी घटी, फिर अगले सेकंड में घटी, फिर थोड़ी सी ये, तो आप देख रहे हैं कि स्मूथली जो वेलोसिटी है धीरे धीरे आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि जो वेलोसिटी में जो डिक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेटा कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ तो आपको इस ग्राफ से देख के बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी। तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, t = 0 सेकंड पर होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो t = 0 सेकंड कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी v, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, जब ये यहाँ से आकर यहाँ रुक गया पार्टिकल है ना यहाँ तक, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तक आने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, और यहाँ पे आने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। अच्छा, तीसरा क्या है बेटा, टाइम कितना लगेगा,
इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आने के लिए कितना टाइम लगा? तो बेटा टाइम कितना लगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 सेकंड लगा इसको। तो टाइम कितना आ गया बेटा आपका? ये आपका लगा 10 सेकंड। तो यहाँ से बेटा एचएसएन की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, वो आपकी क्या आ जाएगी? वी माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20, टाइम आपको लगा है 10 सेकंड। तो आप जब सोल्व करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा एचएसएन। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? नेट फोर्स आपका हो जाएगा जो बाल के ऊपर लग रहा है वो हमको न्यूटन सेकंड लॉ से पता है। मास टाइम एचएसएन होता है। मास की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.020, एचएसएन की वैल्यू -2, तो आपकी आएगी क्या 0.040 न्यूटन, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी वही बात कि आपका नेगेटिव क्यों लग रहा है, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है, माइनस क्यों आ रही है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है आपका, है ना। जिस डायरेक्शन में बाल चल रही है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, उसके पीछे की तरफ लग रहा है, और पीछे की तरफ लगेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो फोर्स वेलोसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो फोर्स आपका जो बाल के ऊपर लगेगा वो क्या लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, तभी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, सो दैट इज वाई जो फोर्स का जो सिंबल आया वो क्या है यहाँ पे? नेगेटिव आया, माइनस आया। ओके, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो आप कहेंगे 0.04 न्यूटन। ओके, सो आई होप बेटा कि ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।